नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। वक्त हो गया खबर विशेष का। सैकड़ों साल बाद आज फिर इतिहास के पन्नों से निकलकर मुगल शासक अकबर, औरंगजेब और महाराणा प्रताप जैसे राजा सामने आ गए हैं। यूपी में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी बेबाक छवि के कारण उनके किसी न किसी बयान पर जरूर बखेड़ा खड़ा होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मंगलवार को महाराणा प्रताप की जयंती पर जो बयान उन्होंने दिया उस पर तीर चलने शुरू हो गए हैं। इतिहास पर मचे इसी सियासी घमासान पर आज चर्चा करेंगे खबर विशेष में। उधर आपको बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसके बाद से लगातार विवाद शुरू हो गया। इतिहास की नजर में महाराणा प्रताप इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर रहे। कई और ऐसे फैक्ट हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अपने इतिहास को सजोने की फुर्सत न हो तो अपने भूगोल को सुरक्षित नहीं रख सकता। अगर आपको इतिहास देखना है तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये उस इतिहास के हीरो। मौका था महाराणा प्रताप की जयंती का, जहां मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिस कौम को अपने इतिहास को संजोने की फुर्सत नहीं, वो कौम अपना भूगोल भी नहीं बचा सकती। सरकार बनने से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया था जिसका कोई गलत मतलब निकाला जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती पर जब सीएम बोलने लगे तो मुगल शासकों का जिक्र आने पर उन्होंने अकबर, बाबर और औरंगजेब को आक्रांता करार दे दिया। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ उनका कोई रिश्ता न कभी था न कभी हो पाएगा। इधर योगी इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे तो उधर पाली में देश के गृह मंत्री ने भी मांग कर दी कि अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है तो महाराणा प्रताप को महाराणा द ग्रेट क्यों नहीं कहते। किसी को भी आप द ग्रेट कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अकबर को आपने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में कौन सी कमी आपको दिखाई दी कि आपने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप द ग्रेट नहीं कहा। राजनेताओं के मुंह से निकली इतिहास की बातों में राजनीतिक लोगों को सियासी बू का एहसास हुआ तो उनका जवाब भी आया। देखिए, महाराणा प्रताप की इतिहास के अंदर अपनी जगह है, अकबर की अपनी जगह है। दोनों इतिहास के अंदर बड़ी हैसियत रखते हैं, सेकुलर माने जाते हैं और मेरा ख्याल है कि तुलना करने की ज़रूरत नहीं। सवाल राजनीति के लोगों ने इतिहास पर उठाया तो इतिहासकारों से जवाब भी आना लाजमी था। ये महान लगाना अंग्रेज स्टाइल से शुरू हुआ, जब अंग्रेजों के द ग्रेट लगाया जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उन्होंने, क्योंकि अकबर बहुत बड़ा बादशाह समझा जाता था हिंदुस्तान में, तो उसके आगे अकबर द ग्रेट निकाला। इरफान हबीब ने तो गृह मंत्री पर ही सवाल उठा दिए। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह कोई बड़े इतिहासकार तो है नहीं जो इस तरह से वो कहते रहे, उनसे पूछिए इतिहासकारों से, आरसी मजूमदार से, बड़े इतिहासकार। ऐसे मौके पर जब देश और प्रदेश में सरकार विकास का माहौल कायम करने की बात कह रही है, राजनेताओं के ऐसे बयान समाज में गफलत पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ऐसे में कुछ अहम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं। अकबर महाराणा प्रताप की तुलना जरूरी क्यों है? योगी के बयान का सियासी मतलब क्या है? इस समय इस पर बहस क्यों जरूरी है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। शहजाद पुनावाला मेरे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं। इसके अलावा प्रकाश शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं और राकेश पांडे साहब जुड़ रहे हैं, इतिहासकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस बहस की शुरुआत शहजाद आपसे करेंगे जी। इस बयान के क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं आप इस बयान को जो बात आदित्यनाथ ने कही? जो लोग वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते तो वो लोग इतिहास के पन्ने खोल खोल के सांप्रदायिकता की कुछ आड़ में कुछ चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर जल रहा है और किस वजह से जल रहा है, किसकी नाकामी से जल रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आपको मैंने एक घटना बताई जिसमें कि एक सूबेदार की, पूर्व सूबेदार की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ।
एक किसी को बूढ़े इंसान को हिंदू युवा वाहिनी के लोग पीट पीट के मार देते, इन पे चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में क्या कार्य हो रहे उन पे चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है महाराणा प्रताप और अकबर पे, तो इस पे भी चर्चा करते। महाराणा प्रताप पे तो महाराणा, महा का मतलब क्या है, ग्रेट ही हो गया ना। चलिए अकबर आपको पसंद नहीं तो आपकी पार्टी में एमजे अकबर है, उनका नाम बादशाह अकबर के नाम पे ही है, उनके नाम को आप महाराणा प्रताप कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, महाराणा प्रताप और शिवाजी के गुण गाते हो तो उनसे जरा कुछ सीख लीजिए। महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ने गए तो उनके जो सबसे आगे वाले सेनापति थे वो एक मुसलमान थे, शिवाजी के जो सेनापति और तमाम लोग थे वो सारे मुसलमान थे। आप तो मुसलमान को टिकट भी देने से परहेज करते हो। अकबर के भी अगर आप देख लो तो मान सिंह के साथ उन्होंने जाके लड़ाइयाँ लड़ी थी, अपने सेना में मान सिंह थे उनके सेनापति जिनके साथ वो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ते थे। तो इनसे कुछ सेक्युलर चीज़ें सीख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, इतिहास में अगर आप झांक रहे हैं तो। पर मैं अब भी समझता हूँ कि वर्तमान की बात करें, सहारनपुर क्यों जल रहा है उसकी बात करें, दलितों के साथ उत्पीड़न वहाँ पे क्यों किया जा रहा है। प्रकाश शर्मा साहब से जवाब ले लेते हैं। प्रकाश शर्मा साहब, अगर शहजाद पुनावाला का आप जवाब देना चाहें, और शहजाद उसमें एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, लखनऊ वाले जिस घटना का जिक्र कर रहे थे उसमें बलात्कार की कोई बात नहीं है, जो पुलिस ने आज उसका खुलासा नहीं कर दिया। मर्डर तो हुआ है ना, मर्डर हुआ है। अगर आपके पास मर्डर होना चाहिए हमारी बेटी के साथ, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप गलत तथ्यों को ना तोड़िए, इतना जरूर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बलात्कार बंद हो गए, इतना जरूर कहना चाहता हूं। बलात्कार बंद हो गए क्या, जो बात शहजाद ने की, अगर आप जवाब देना चाहें। अच्छा, प्रकाश शर्मा साहब को आवाज़ नहीं मिल पा रही, शायद आऊंगा मैं प्रकाश शर्मा साहब आपके पास, तब तक हो सकता है कि आपकी आवाज़ भी हम तक पहुंच जाए। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो बात कल आदित्यनाथ जी ने कही है एक मंच पर, महाराणा प्रताप की जयंती में वो शामिल होने गए थे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाज को बांटने की मानसिकता जो है वो कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आप जो है महाराणा प्रताप और शिवाजी, अकबर और औरंगजेब का इतिहास और उनके फौजियों का और सैनिकों का इतिहास देखें तो आपको वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि राजा मान सिंह जो है और जय सिंह जो है वो जसवंत सिंह जो है वो जसवंत सिंह जो है खुद जो है वो महाराणा प्रताप के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। तो ये जो आज जो है वो देश के दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर जो बहस कर रहे हैं, उस समय में जो है 650 जो है वो राज्य थे, और लोग जो है ये इस तरह जो शिवाजी हो या जो है वो महाराणा प्रताप हो या टीपू सुल्तान हो या निजाम हो, ये सारे लोग जो आप देखेंगे कि वो एक क्षेत्र और एक राज्य के जो है नवाब हैं या जो है वो राजा हैं या महाराजा हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरे देश को वो अपने संदर्भ में देखते थे, नहीं हिंदू देखते थे नहीं मुसलमान देखते थे। तो ये जो आज की तारीख में जो है पूरे देश का जो है वो हीरो बना के जो है जिस तरह जो है सामने लाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि जो है महाराणा प्रताप ने जिस तरह अकबर का जो है मुकाबला किया और मुश्किल हालात में भी ये वीरता दिखलाई, ये जो है वो ठीक बात है वो। लेकिन ये है कि इसमें ये हिंदू गर्व यह है या मुस्लिम गर्व जो है वो फख्र को जो है सामने लाने की बात जो हो रही है वो गलत है। ठीक है, शिवाजी आप देखेंगे उनकी फौज में जो अहम जो कमांडर है वो मुस्लिम है, महाराणा प्रताप सिंह के यहाँ भी यही है। इसी तरह जो है जो उस जमाने में राजस्थान जो है वो तीन उसमें बटा हुआ था, मारवाड़ था, मेवाड़ था और जो है राजपूताना था। तो ये मेवाड़ के जो है शासक थे जो है महाराणा प्रताप, इनको इतना फैला के जो है दिखाने का प्रयास जो है वो इतिहास को अनदेखा करने का। राकेश पांडे जी, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, कुछ अलग नजर आता है आपको इस बयान में? जी ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ वही बात कह रहे हैं जो एक साधारण जनता के मन में ये बात बहुत वर्षों से पड़ी हुई है कि हिंदुस्तान एक बड़े प्राचीन सांस्कृतिक और गौरव का देश रहा है। इस देश में कुछ लोग आए बाहर से, आक्रांता बनकर आए, और इस देश के जो बहुत ही पवित्र स्थल थे उनको तोड़ने में उनकी अहम भूमिका थी। इस बात का जो आक्रोश है वो जनता के बीच में लगातार है, और कोई भी देश को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको ये बात बुरी लगनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान के राजाओं को हरा करके आते हो तो आप काशी विश्वनाथ के मंदिर को क्यों तोड़ देते हो, आप अयोध्या के राम मंदिर को क्यों तोड़ देते हो, आप काशी के बिंदु माधव के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद क्यों बना देते हो, औरंगजेब ने किया।
इस तरह की तमाम जो धर्मस्थलों को तोड़ने की एक सीरीज की घटनाएं होती हैं, वो सब घटनाएं जनता के मन में है। जब भी कोई मंदिर दर्शन करने जाता है तो देखता है एक टूटा हुआ मंदिर पड़ा हुआ, जिस पर एक मस्जिद की बनावट ऊपर से थोप दी गई है। चाहे वो वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर को देखे, चाहे वो अयोध्या में इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं उन सबको याद करे, तो ये एक जो एक श्रृंखला रही, एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही हिंदू मान मर्दन की, इसे हम कह सकते हैं, उसका जो आक्रोश है, एक स्वदेशी शासक योगी जब सत्ता में आता है तो वो ऐसा ही कुछ बात कहेगा जो लोगों के मन में है परंतु लोग कह नहीं पाते हैं। इसमें अकबर को थोड़ा आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि उसने काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, उसके संघर्ष में महाराणा प्रताप अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए, महाराणा प्रताप का सम्मान है। अकबर ने टीका लगाया, अकबर गंगा जी का जल पीता था, इन सब बातों को देख करके उसको एक खास ढंग से कहा लोगों ने कि भाई ये एक सर्वधर्म संभाव का ठीक है राजा रहा, ठीक है। लेकिन तो बाकी लोगों को औरंगजेब भी मंगा के पीते थे, ये भी बताइए, बाबर को देखेंगे औरंगजेब को देखेंगे जिसका नाम लिया गया है, मन एक आक्रोश से भर जाए, बताइए आप जी। हम तो कह रहे हैं कि ये जितने मुगल बादशाह थे वो सभी और उसके पहले के भी जो बादशाह थे, गंगा जी का जल क्योंकि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित था कि ये बहुत ही तमाम दिनों से मिले हुए राजाओं को सूचना थी वो गंगा जल पीते थे। गंगा जल आप पीजिए। राकेश पांडे साहब, मैं लौटता हूं आपके पास, प्रकाश शर्मा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, तो आप पी रहे हैं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी लेकिन उनकी आवाज शायद अब ठीक हो गई, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन एक मैप के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इस साम्राज्य को बढ़ाया गया और कैसे ये स्थिति आगे बढ़ी। ये जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं, ये पूरा जो साम्राज्य रहा वो औरंगजेब का रहा। और जो उसके बाद आप देख रहे हैं रेड कलर, इसमें इसको और आगे बढ़ाया गया। प्रकाश शर्मा साहब, एक बार आपके पास आना चाहेंगे, पहली बार आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। कांग्रेस के नेता हैं शहजाद पूनावाला साहब, उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों पर इस तरीके के बयान देने का मतलब है बांटने का और कानून व्यवस्था का मसला है और तमाम मसले हैं जिन पर बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से संपर्क टूट गया, प्रकाश शर्मा साहब से दोबारा जाएंगे। लेकिन डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, राकेश जी से बोलिए, अशोक को सब लोग सम्राट कहते हैं, महान सम्राट कहते हैं, कलिंगा में अशोक ने किसको मारा था जरा बताने का कष्ट करेंगे हमें? भाजपा का दफ्तर अशोक रोड पे है, कौन से लोगों को अशोक ने मारा था जरा बताने का साहस कुछ लोग करें, मौलाना साहब, वरना बताएंगे आपको कि कितने लाख लोगों को जिन्होंने अशोक ने जिनको मारा था उनका धर्म क्या था, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे? उन्होंने 99 अपने भाइयों को मारा था। तो मेरी बात सुनिए, बात अपने भाइयों की हत्या कर दी थी, 99 बात हिंदू मुसलमान की कभी ना थी ना है। अकबर ने मुसलमानों को भी मारा, अकबर ने हिंदुओं को भी रखा, अशोक ने अपने धर्म के लोगों को मारा, अशोक ने दूसरे धर्मों के लोगों को भी रखा, ये तमाम राजाओं ने अपने अपने राज्य को सत्ता के लिए करते रहे। आज इसके डिबेट में लाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर अगर कुछ चीजें लेनी है तो ये सीखिए आप कि महाराणा प्रताप ने मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझा, अपने लोग समझे, अकबर ने हिंदुओं को हिंदू नहीं समझा, अपने लोग समझे, जैसे पांडे साहब ने भी बताया है, ये चीज तो आप सीखते नहीं। और आज की जो सहारनपुर में दंगा हो रहा है वो दंगों का कारण क्या, बताइए प्रकाश शर्मा साहब। पूनावाला को प्रकाश शर्मा कुछ मालूम है सहारनपुर और जाने कहां कहां टहल रहा है, वहां पर्दे के पीछे से बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं, इनसे आप क्या पूछ रहे हो, इनको कुछ मालूम है? ये बताएं अकबर इनका बाप था कि दादा था कि नाना था, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, अकबर आपकी पार्टी में है, अकबर नाम का नेता आपकी पार्टी में है, अगर आपको अकबर से परहेज है तो उसका नाम महाराणा प्रताप, जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगे मैं डिबेट में नहीं। प्रकाश शर्मा साहब, व्यक्तिगत किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? शहजाद एक मिनट, शहजाद एक से माफी, मैं शहजाद बात करता हूं, बैठिए, मेरे बाप के ऊपर, मेरे बाप
मेरे बाप की जो है मौत हो चुकी है बहुत सालों पहले। शहजादा बैठिए, प्रकाश शर्मा साहब, प्रकाश शर्मा साहब होकर क्या आया? प्रकाश शर्मा साहब, अरे प्रकाश शर्मा साहब, कैसी बेतुकी बात आप कर रहे हैं? आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं? आप भी हमारे मेहमान हैं और शहजाद भी हमारे मेहमान हैं। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए प्रकाश शर्मा साहब। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं? नहीं, आप हटाइए, मुझे नहीं ऐसा मेहमान रहना है। इस प्रकार के बेवकूफों को आप बैठाएंगे जो महाराणा प्रताप के बारे में होंगे मेहमान आपके? नहीं, आप तय करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। अरे आप तय करेंगे, आप तय करेंगे शिवाजी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेंगे? आप तय करेंगे, स्टेटस है, आप तय करेंगे किसको हम बैठाएंगे? स्टेटस है, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना? दादा थे, नाना थे, चाचा थे, क्या थे, पूछिए इनसे। नहीं, आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप कैसे लगाएंगे? आरोप नहीं है तो, इनकी क्या रिश्तेदारी है? महाराणा प्रताप इस देश के पूर्वज था, महाराणा प्रताप ने उसको थोड़े बुलाया था के लिए अपना घास की रोटी बाबर को बुलाया किसने? में रहते उसकी पार्टी के आप बेकार की बात मत करिए। अरे प्रकाश से बात करनी है, बात कीजिए, पूना पूना वाला के बाप थे अकबर, बताए। आप फिर बेतुकी बात कर रहे हैं, आप इसके लिए माफी मांगिए। क्या रिश्तेदारी है औरंगजेब की? क्या रिश्तेदारी है जिसने बाबर को बुलाया था? की बात नहीं है, आपकी क्या रिश्तेदारी है महाराणा सांगा से जिसने बाबर को बुलाया था? क्या संदर्भ है? इन लोगों ने कत्लेआम नहीं किया क्या? इन्होंने भारत में कत्लेआम नहीं किया? तो अशोक ने भी किया ना, देवी देवताओं के मंदिर नहीं तोड़े और उसका समर्थन तो अशोक ने भी किया है। प्रकाश शर्मा साहब, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि आप किसी भी मेहमान को आप इस तरह की भाषा का किसी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक जो है वो सभ्य और जो है कल्चर्ड समाज बनाना चाहते हैं और आपकी भाषा जो है वो ऐसी है कि इसका कोई संबंध ही नहीं है सभ्यता से, असंस्कृति से। महाराणा प्रताप को शिवाजी को नकार कौन रहा है? उनके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं था। कुछ नहीं, आप बेईमान हैं, आप बताना नहीं चाहते। आपके क्या रिश्तेदारी है बताइए, अगर आप में जरा भी दम है। नहीं तो हमारी रिश्तेदारी तो महाराणा प्रताप और शिवाजी से है, आपको मालूम होना चाहिए। तो बताइए, अरे रिश्तेदारी तो हमारी जो है महाराणा प्रताप और शिवाजी से है। आपकी किस बाबर से क्या रिश्तेदारी? आपकी राणा सांगा से रिश्तेदारी है, ये बताइए ना आप, जिसने बाबर को बुलाया था। हमारी रिश्तेदारी तो यह पृथ्वी राज से है, महाराणा प्रताप से है, शिवाजी से है। मैं कह तो रहा हूँ, आप बताइए राम जन्मभूमि। नहीं, प्रकाश शर्मा इस तरह की भाषा शोभा देती है क्या आपको? आप किसी को भी मेहमान और जो है कुछ कह देते हैं। आप पहले बोलने के लिए सिखिया शरीफ बनिए। आप पहले जो है प्रकाश शर्मा, आपको सत्ता में जो है आप बैठे हुए हैं, कुछ सीख लीजिए बोलने के लिए। महाराणा प्रताप के बारे में छत्रपति शिवाजी, अरे आप अपनी बात तो रखिए, अपनी भाषा तो ठीक करिए। आप उनको नकार कौन रहा है? उनको कौन नकार रहा है? आपकी कोई मजबूरी होगी इनको चैनल पर बुलाने? नहीं तो शिवाजी को, महाराणा प्रताप को नकार कौन रहा है? जब महाराणा प्रताप का है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो नकार कौन रहा है? नुमानी साहब एक मिनट, सब आक्रांता है। नुमानी साहब एक मिनट, नुकसान पहुँचाया इन्होंने, कत्लेआम किया। प्रकाश शर्मा साहब इस तरह की आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसी तरीके की भाषा भाजपा बोलती है क्या? यहाँ के मंदिर ये तो बता रहे हैं ना कि जो है हमारी पार्टी कैसे और पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं। प्रकाश शर्मा जी, इसी तरीके की भाषा भाजपा बोलती है? आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? राकेश पांडे जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तमाम समस्याएं और तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में लोगों के साथ, तो ऐसी बातों का और ऐसी चर्चा अगर ऐसी भाषा बोली जाए तो इसका क्या ऐसे क्या फर्क पड़ता है इसका? हमें लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें महाराणा प्रताप के जयंती पर कही हैं वो बातें बहुत जरूरी थी, वो कहना बहुत जरूरी है। और एक राजनेता कहता है
तो ये भी बहुत इसलिए जरूरी है कि आम जन की बड़ी सोई हुई परंतु आक्रोशपूर्ण बातें ये थी जिनको आदित्यनाथ ने उनके आक्रोश को व्यक्त किया। ये बात हमारे हिंदू मुसलमान दोनों लोगों को, सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि हमारे देश में, जो हिंदू मुसलमान दोनों का देश है, हमारे देश में आक्रांता थे कौन, और उन आक्रांताओं को आक्रांता कहना ये किसी प्रकार की गलत बात नहीं है, ये ठीक बात है। जब हमारे हिंदू मुसलमान दोनों समझेंगे कि ये हमारे आक्रांता हैं, तो मिल करके वो सब कार्य करेंगे जो आक्रांता के आघात से आपके देश में चोट पहुंचा, जो अंदर से चोट महसूस करते हैं लोग, उस चोट को कैसे मिल करके ठीक किया जाए। राकेश पांडे जी, जैसा कि राकेश पांडे जी प्रयास हमने देखा, तो बाबर को महमूद को वली संत कौन कह रहा है जी? राकेश पांडे जी, आप एक इतिहासकार, आक्रांता हम भी मानते हैं, को हमलावर थे, आए थे महमूद गजनवी बाबर जो है, लेकिन बुलाया तो आप ही ने था, ये भी तो एक मुद्दा है ना। उनको संत साधु और पैगंबर कौन मान रहा है, ऋषि मुनि उनको कौन कह रहा है? वो तो अपने सत्ता के लिए जो है या धन दौलत के लिए ये सब कुछ करते थे, अपने लोगों को भी मारा, दूसरों को भी मारा, सबने ये किया है। नहीं आप भी इतिहास कह रहे हैं, हम भी जो है इतिहास के विद्यार्थी रहे तो आप जानते हैं ये सब जो है। देखिए, पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो इनको आक्रांता नहीं कहा जाता है, वो तो गढ़ा हुआ इतिहास है, वो तो घर का बना है, वो कोई इतिहास नहीं है, वो तो सबको मालूम है। हम यहाँ खुद कह चुके हैं कि वो लोग अपना गढ़ा हुआ इतिहास बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों को पाकिस्तान का इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए? कोई नहीं पढ़ रहा है पाकिस्तान का इतिहास, जो है देश का जो स्वदेशी इतिहास है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मतलब की आक्रांता है। नहीं तो हमारे लिए तो जो है शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप के अनुसार आक्रांता कहकर लेकिन इतिहास की क्षतिपूर्ति करना चाहिए। ये इतिहास ये तो में हुए संतान है ना, वो तो भारत जो में अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और ये करना भी चाहिए, लेकिन ये जो प्रकाश शर्मा जो भाषा यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कैसे जो है सामूहिक प्रयास होगा? राकेश पांडे जी, नहीं, जब इस बात को आप समझ जाएंगे कि ये आक्रांता आक्रांता थे, तब आप सामूहिक महमूद गजनवी भी बाबर भी जो है, जब सोमनाथ मंदिर को ठीक किया गया, वैसे जितने भी अन्याय हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा। राकेश पांडे जी, लेकिन आक्रांता सबको मिलकर कहना पड़ेगा और छतपूर्ति के लिए सबको मिल राकेश पांडे जी आप इतिहासकार के साथ एक प्रोफेसर भी हैं और सामाजिक बहुत सी सामाजिक व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसी भाषा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, ये भी अपनी बात रख रहे हैं, शहजाद भी अपनी बात रख रहे थे, मगर क्या राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना स्वीकार होना चाहिए क्या? नहीं, इस राजनीति में समावेशी बातचीत होनी चाहिए, सबको लेकर के, सबका साथ सबका विकास, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा, सबको साथ लेकर के चलिए, किसी के दिल में चोट मत पहुंचाइए। हाँ, लेकिन सत्य कहने में अगर हमारे भाई को चोट लगती हो तो भाई को समझाना पड़ेगा कि यार ये सब जो आक्रांता थे वो हम सभी लोगों के ऊपर आक्रांता थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उनके द्वारा पहुंचाई गई चोट को आइए मिल करके दूर किया जाए। ये आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो एकदम 100% सही कही है। ऐसे समय में अगर आप कहेंगे नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, और नेता जो है वो जन्मुख होता है। ये बात कही है तो कोई बहुत आलोचना की बात नहीं, तारीफ करनी चाहिए। अब मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि पूरे देश को ये बात समझना चाहिए कि जो क्षति हुई है उसे पूरा देश मिलकर दूर करे और इतिहास की सही समझदारी पैदा करे। आक्रांता को आक्रांता, जो संघर्ष से लड़े उन्हें स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, प्रकाश शर्मा साहब एक आखिरी सवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, इस तरह से मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे जी। चलिए राकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद जुड़े रहे, शहजाद के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो किया गया वो दुखद है, हम इसके लिए शहजाद से क्षमा भी चाहते हैं। और प्रकाश शर्मा साहब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है, चैनल और हम बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो बातचीत के जरिए हो, अपना पक्ष बातचीत के जरिए रखा जा सकता है। खबर विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही।